नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को कुछ अलग चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, जो अमेरिका में घर लोग लेते हैं, सिंगल फैमिली होम, और वहाँ पे कितना काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग घर का काम खुद कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे बाहर काम करवाना, बाहर से आदमी को बुला के काम करवाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लोग जो जिनको इंटरेस्ट नहीं है करने का, इन सब कामों में इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग तो भाई किसी न किसी को बुला के हायर करते हैं, करवाते हैं, लेकिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, वो लोग ज़्यादातर खुद करना पसंद करते हैं। तो बस आज ना मेरे हस्बैंड जो हैं वो पेड़ काटने जा रहे हैं, पेड़ के ब्रांचेस काटने जा रहे हैं। थोड़ा मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो रूफ़ के ऊपर ना जाए घर के, और बैकयार्ड का जाली जो है उसके ऊपर ना जाए, तो इन सब चीज़ों से दूर करके रखना पड़ता है ब्रांचेस को, नहीं तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। तो आज वही करने जा रहे हैं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ यहाँ पे कैसे काटते हैं, अगर मैं आपको घर पे काटना है कितने आराम से आप काट सकते हैं, तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये है पेड़ काटने की मशीन। ये जो है इस तरह की मशीन आती है, ये इसका ब्लेड है, ये इलेक्ट्रिक से चलता है और काफ़ी बड़ा होता है, इस तरह से चलता है ये, तो इसी से काटेंगे। थोड़ा मेहनत तो लगता है काफ़ी, लेकिन काटना तो है, और देखते हैं कि कैसे कटता है। आज पीछे का ब्रांच अभी वहाँ पे एक दो बाकी है, वो काटना है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इस तरह से संभाल के आप कितनी कट गए लोग यहाँ पे। और ये जो ट्री है ना, ये है ओक ट्री, जैसे हमारे यहाँ नीम का ट्री होता है ना, उसी तरह का यहाँ पे एक कॉमन ट्री है, ये ओक ट्री बोलते हैं इसको। ये बहुत तादाद में यहाँ पे लगाया जाता है ओक ट्री। तो ये देखो ब्रांच हमारा जो काटना था, इसी तरह से अभी दो तीन ब्रांचेस और काटने हैं, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके अभी हम बाहर ड्राइवे पे ले जाके रखेंगे, दिखाएंगे वो आप लोगों को। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केला हमारा, पहले व्लॉग में मैंने दिखाया था आप लोगों को, दिखाया है कि हमारे यहाँ दो केले में के पेड़ में घार आया था, केला लगा हुआ था, तो इसमें से ये जो केला है बेचारा, ये जो टूटा हुआ है ये टूट गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो वही ब्रांच काट रहे थे, इसी के ऊपर आके गिर गया और ये टूट गया। तो वो केला तो अब मेरे कुकिंग चैनल पे जा रहा है, रेसिपी बना रही हूँ उसका, वहाँ पे उसका रेसिपी देख सकते हैं। अभी दो डिश डाला है, अभी और भी बनाने बाकी हैं, तो मेरे कुकिंग चैनल का नाम है टेस्टी खाना बनाना, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आज सुबह हुई है, तो सुबह का क्या 10:30 हो रहा है यहाँ पे, तो छुट्टियों में यहाँ पे यही सब काम किया जाता है। बहुत लोग तो खुद से काम नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर से, यहाँ पे सर्विस होता है लॉन मोइंग का, आप उसको भी हायर कर सकते हैं, लेकिन वही भी बड़ा एक्सपेंसिव होता है, मंथली हमें $100-150 पे करना पड़ता है। अगर मैं जिसके पास एनर्जी है, जो कर सकता है, जिसमें गुण है करने का, वो खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा, हम लोगों का सुबह का काम शुरू हो गया है, अब थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प करूँगी इसमें मेरे हस्बैंड का। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं, पर ये मशीन जो है ना बड़ा हैवी होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, पेड़ काट रहे थे हम लोग, ठीक है, ब्रांचेस काट रहे थे, तो एक काम तो हो गया, लेकिन दूसरा काम बहुत अच्छा खासा बन गया है, वो भी दिखा दूँ क्या हुआ है। पेड़ यहाँ पे काटा हम लोगों ने,
एकदम अच्छे से काट लिया, ठीक है। अब ये जो ब्रांच था, ब्रांच आके हमारे स्क्रीन पे गिर गया, यहाँ देख सकते हैं, एक पूरा यहाँ पे पूरा एक बड़ा सा एक ब्लॉक जैसा है, वो पूरा स्क्रीन फट के निकल गया। अब इसको सोचो, अब इसको रिपेयर करने के लिए हमें बुलाना है तो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, इसलिए भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है क्योंकि हमारा स्क्रीन पूरा चेंज करवाना है, काफ़ी जगह से डैमेज हो गया है स्क्रीन हमारा, तो इसको चेंज करवाना ही है। लेकिन अभी फ़िलहाल काम चलाने के लिए हमें इसको एक में ही होल हुआ है, तो इसको हमें रिपेयर करा देंगे, थोड़ा सस्ते में पड़ जाएगा, $50 में हो जाएगा। तो ये काम हम लोगों ने बढ़ाया है, तो काम करो कुछ ना, तो ऐसे काम बढ़ भी जाते हैं। सारे कचरा जो है ना, सूखी हुई पत्तियां सब पूल में आके गिर रही हैं और बड़ा गंदगी हो रहा है हमारे पैटियों में इस वक्त बैकयार्ड साइड में, और विंड काफ़ी चल रहा है। ऐसे कुछ काम करते करते हम सोचते हैं कि चलो कर लें, हम कर लेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी हो जाता है, पर कोई नहीं, लेकिन काम करते रहना चाहिए। तो वही हम लोगों का काम वो डन हो गया है, तो मैंने सोचा वो भी दिखा दूँ कि भाई काम करने के साथ साथ होता भी क्या है, कितना काफ़ी मेहनत लगता है। पहली बात, ये इजी काम नहीं है। जो लोग हर काम, कोई भी काम करेंगे आप, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, अभी जैसे पेड़ वगैरह काटते हैं ना, अगर मैं किसी को हायर किया, कटवाया, पता नहीं चलता है कितना मेहनत लगता है उसमें, पता है, खुद काट के देखो, वो काम खुद करके देखो ना, तब पता चलता है कि हाँ, कोई भी काम आसान नहीं होता है करना, हर काम में मेहनत लगता है, अपना 100% देना पड़ता है। और ये सब कोई, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, ईजी नहीं होता है करना, तो हर काम में मेहनत लगता है। और ये सब तो वैसे भी हार्ड वर्क है, बाप रे, इन सब चीज़ों में तो और भी टाइम लगता है, और टाइम क्या, थकान लगती है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है। तो यहाँ पे हमारा इस साल इतनी ठंडी तो पड़ी नहीं है, तो हमारा जितने भी प्लांट है यहाँ का, सब एकदम ज़िंदा है, हरे भरे, थोड़े सूख भी गए हैं। इस बार हमने बैकअप अपना ये करी लीव्स लगा लिया था अंदर, लेकिन हुआ ये कि हमारा बाहर का भी जो ये करी पत्ते का पेड़ है वो भी नहीं मरा, पता है, अगर मैं नहीं अंदर लगाया होता ना मैंने, तो शायद वो डेड हो जाता। लेकिन इस बार मैंने पहले से ही अपनी प्लानिंग कर रखी थी, तो इसलिए भगवान ने इतनी ठंडी भी नहीं किया यहाँ पर। और केला अच्छा खासा भी जी जाग रहा है, और आप देख सकते हैं करी लीफ बाहर है ना उसका पेड़, अंदर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से ये करी लीफ का ये पेड़ यहाँ पे देख सकते हैं, 3-4 पेड़ यहाँ पे उगे हुए हैं, इस तरह से ये पेड़ फैलता है। जो होल हुआ है ना स्क्रीन में, वहाँ से नेक्स्ट माह से रोज़ हमेशा जो है गिलहरी हमेशा आती जाती रहती है, तो जिस दिन होल हुआ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, पता नहीं गिलहरी चल रही होगी, क्योंकि हमेशा धड़ल्ले से वो आती जाती थी एकदम दौड़ते हुए, ठीक है, तो उसको पता होगा नहीं कि भाई होल हुआ है, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही बेचारी अपने कहीं और देखते हुए जा रही होगी, और थपाक से नीचे गिर गई, देखा नहीं होगा, क्या कर सकते, कभी कभी हमारे साथ भी तो यही हो जाता है, आगे चलते रहते हैं कहीं और देखते रहते हैं, गड्ढा सामने गिर जाते हैं, काफ़ी बार हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है वैसा, तो जानवरों के साथ भी तो हो सकता है, राइट। तो मुझे वही लग रहा है, उसका बेचारे का ध्यान कहीं और रहा होगा, मस्त कूदते कूदते जा रहा होगा जंप करते हुए, और थपाक से नीचे आके गिरा। मॉर्निंग में उठे हम, बच्चे लोग स्कूल चले गए, तो मैंने ब्लाइंड ओपन किया तो देख रही हूँ स्क्वेरल भाग रहा है पैटियो में, तो मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ, यार ये तो मतलब ये स्क्वेरल आ गया है अंदर, तो तब याद नहीं था, भूल गए थे कि ऊपर कुछ हम लोगों ने कुछ कांड किया है स्क्रीन पे, तो तब याद आया कि अरे हाँ, उसी स्क्रीन
से ही ये नीचे गिरा है। तो वो बेचारा पता नहीं कब का गिरा रहा होगा, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था किधर से निकलूं। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसको दोनों साइड का डोर ओपन करके उसको निकाला, गिलहरी को। अगर मैंने नहीं निकाला होता तो बेचारा पता नहीं क्या होता उसका। तो बस यही है, हम लोगों ने पेड़ तो काटा, पेड़ के साथ साथ अपना स्क्रीन भी काट डाला है। तो चलो ठीक है, होता है कभी कभी ऐसा। ये है बॉब कैट, हमारे यहाँ बॉब कैट काफ़ी दिखते हैं। गया अभी मैं वर्कआउट के लिए निकली थी मॉर्निंग में, तो वर्कआउट के लिए निकली थी तो चलते चलते रास्ते में बहुत कुछ जानवर दिख जाते हैं, तो अभी मुझे बॉब कैट दिखा, रोड क्रॉस कर रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए, देखना। काफ़ी कुछ जानवर दिखते हैं, पर वही है कि आप रिकॉर्डिंग चालू करो, फ़ोन निकालो, तब तक वो निकल जाते। पीछे का जंगल जो है ना, उसी में गया वो बॉब कैट। तो लक अच्छा था, आज रोड क्रॉस करते हुए मिल गया मुझे, तो मैंने आप लोगों के लिए शूट कर लिया है।